पूरे प्रदेश में लगातार हुई मूसलाधार बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसा ही हाल पन्ना जिले के सिमरिया तहसील क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां तहसील क्षेत्र से निकली तीनों नदी केन, सुनार और द्यारमा अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही हैं, जिससे सिमरिया तहसील क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन ग्राम कानी, साटा, गनियारी, आमाघाट, गूढ़ा, पगरा बाढ़ से प्रभावित हैं और गाँव के चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों का आवागमन ठप हो गया है और तहसील मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया। पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र के दिशा निर्देश पर लगातार स्थानीय प्रशासन लोगों से संपर्क बनाए है और गांव का निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं सिमरिया तहसीलदार संध्या अग्रवाल ने बताया कि तहसील क्षेत्र के आधा दर्जन ग्राम इस बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है और न ही बाढ़ से कोई दुर्घटना सामने आई, लेकिन गाँव से आवागमन का संपर्क टूट गया है, लेकिन हालात काबू में हैं। नदी अब धीरे धीरे पहले की अपेक्षा कम होने लगी है और गुढ़ा गाँव के लोग पैदल आवागमन भी करने लगे हैं। गांवों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार होमगार्ड के जवान गांवों के पास तैनात हैं और पर्याप्त साधनों के साथ प्रशासन लोगों की मदद के लिए जुटा है, लेकिन पानी अधिक होने की वजह से लोगों को आवागमन करने से रोका जा रहा है। इन सब समस्याओं को लेकर के आला अधिकारी यहां आवे और इन समस्याओं को सुने, समस्याओं को सुनने के बाद इनका निदान करे। यदि इनमें कोई बीमार होकर के मरता है या नदी में समाहित होकर के मरता है तो अधिकारी ही इसके जिम्मेवार होंगे, क्योंकि अधिकारियों को पहले से भी सूचित किया गया है। BMO पवई, इनको जाकर के कहा गया, मौके कहा गया और कई बार यहाँ SDM साहब से कहा गया, तहसीलदार मैडम से कहा गया और यहाँ तक कि रिटर्न वाल के लिए कलेक्टर महोदय के यहाँ भी लिखित आवेदन दिया गया है। और यहाँ आकर के सभी अधिकारी, नेतागण इत्यादि सभी आवेदन।